बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ बेबीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं तो नैपी रैशेज़ होते हैं बेबीज़ को बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे साथ हुआ था, बेबी को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब इस मसले को किस तरह से हल किया जाए। स्पेशली जब न्यू बॉर्न्स होते हैं तो और फर्स्ट वंस जो होते हैं तो नहीं समझ होती इंसान को कि किस तरह से एक चीज़ को टैकल किया जाए। मैंने कहीं डॉक्टर के पास मैं लेके गई, मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी रैशेस की, तो किसी ने मुझे ये जो बिटनोवेट का लोशन है ये इसका मुझे उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बताया, एक ने मुझे बताया कि आप जो है ये फ्यूसिडिन आपकी जो एंटीबायोटिक ऑनमेंट है ये आप यूज़ करें ना, इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मेरी मामा ने मुझे बताया सुडो क्रीम के बारे में, एंड इट वर्क्स वंडर्स। आप यकीन करें ये बहुत बेस्ट क्रीम है नैपी रैश के लिए। जैसे ही मैंने अप्लाई किया बिल्कुल वो प्रॉब्लम गायब हो गई अल्लाह के करम से। तो इस्तेमाल कीजिए सुडो क्रीम को, ट्राई कीजिए नैपी रैश के लिए। ये देखें इसके ऊपर मेंशन भी हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नैपी रैश के लिए, एक्जिमा के लिए, सरफेस वूंड्स हैं, सन बर्न है, माइनर बर्न्स जो होते हैं, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, बेड सोर्स और चिल ब्लेन्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई, बहुत अच्छी क्रीम है ये। आप अपने जो बेबीज़ के जो आपके नैपी रैशेस के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रही थी, वो है ये जो मेरे पास है नैपी लाइनर्स, ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है। आपको ये पैकेट आसानी से किसी भी शॉपिंग मार्ट से आपको मिल जाएगा। ये 120 का पैकेट है और इसमें हंड्रेड्स जो है वाइप्स होते हैं, नैपी लाइनर्स होती हैं इसमें 100, और ये आपके बेबी को बिल्कुल बचाता है आपके बेबी को रैशेस से और इन चीज़ों से। आप इसको इस तरह से, मैं इसको यूज़ करती हूँ पैम्पर्स के अंदर, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको रखिए और पैम्पर्स को आप इस तरह से बंद करें नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से आप पैम्पर्स बेबीज को लगाते हैं उसी तरीके से आप ये रखिए इसमें पैम्पर शीट्स और पहनाइए अपने बेबी को। बहुत इजीली ये जो है आपका पैम्पर, एक तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा आपका पैम्पर वेस्ट नहीं होगा। मैं तो इसमें रख लेती हूँ दो इस तरह से डबल करके, इससे आपका बेबी जो है ना बिल्कुल ड्राई रहता है, आपका बेबी जो है वो रैशेस उसको नहीं होते हैं। प्लस आपका जो अगर बेबी जो है पॉटी करता है तो आपका जो पैम्पर है वो इतनी जल्दी आपका वेस्ट नहीं होता, आपका बच जाता है पैम्पर। तो डबल रखें आप और इसको सिंपली आप अगर बेबी का है तो आप इसको रिमूव करें, गिराएं और आप अपना पैम्पर दोबारा से इस्तेमाल मतलब उसी टाइम कर सकते हैं, तो आपके पैम्पर्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हेल्पफुल हो सकती है मेरे लिए भी या जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देख रहे होते हैं उनके लिए। तो ज़रूर प्लीज़ अपने जो व्यूज हैं वो शेयर किया करें और इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।